बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले सेना के बैंड और दस्ते रिहर्सल कर रहे हैं। बीते 2 साल कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच ही गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। और वहीं सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस परेड की टिकट की बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी तफसील से आगे। लेकिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किस तरीके से चल रही है आपको दिखाते हैं। कड़ाके की ठंड और शीत लहर के बीच कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते ये जवान गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं, जिसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के दस्तों का जोश इस सर्द मौसम में भी हाई दिखा। पिछले 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसे में इस बार देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड बहुत खास होने वाली है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए ये जवान अपनी तैयारियों को और धार देने में जुटे हैं, ताकि 26 जनवरी के दिन गलती से भी कोई गुंजाइश न रह जाए और देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले। चाहे घुड़सवार दस्ता हो या फिर महिलाओं का दस्ता, रिहर्सल में इनका जोश देखते ही बनता है। तो वहीं सेना के बैंड भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। खास बात यह है कि राजपथ के कर्तव्य पथ में बदलने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड होने जा रही है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों का अनुभव इस बार बेहद खास होने वाला है। क्योंकि एक तो उन्हें कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंगों की ताकत और शौर्य को देखने का मौका मिलेगा, साथ ही सरकार की ओर से कर्तव्य पथ पर किए गए शानदार इंतजाम भी दर्शकों के अनुभव को यादगार बनाने वाले हैं। ये तस्वीरें तो महज एक वानगी भर है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के कारण बीते 2 साल ऐसा नहीं हो पाया। मगर इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जिनकी मौजूदगी से भारत और मिस्र के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गौरव हासिल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर जीवन की गारंटी है। गणतंत्र का मतलब है जनता की तरफ से स्थापित शासन, जो जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करे। साल 1950 में इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। उसके बाद से हर साल देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है। कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ के तौर पर जाना जाता था, उस पर इस बार जल, थल, वायुसेना और सुरक्षा बलों की तरफ से भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। हर साल टीवी चैनल्स इस भव्य परेड का लाइव प्रसारण भी करते हैं। इसके बावजूद सैकड़ों लोगों की इच्छा इसे लाइव देखने की भी होती है और इस परेड स्थल तक जाने और वहां पर बैठकर परेड देखने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, जो पहले विशेष काउंटर्स की तरफ से ही बेचे जाते थे, पर अब गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनने के लिए टिकट ऑनलाइन भी मौजूद है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम का टिकट बुक कराना और आसान हो गया है।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड, दो साल कोरोना काल में पाबंदियों में परेड देखी, लेकिन इस बार आजादी है और आजादी एक और आपको मिलने जा रही है। अगर आप परेड देखना चाहते हैं तो एक व्यवस्था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है, वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आप घर बैठे अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। कैसे? तरीका बहुत आसान है। देखिए, उसके लिए एक बाकायदा वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है, amantran.mod.gov.in पर आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप यहां पर जाएंगे जहां पर साइन अप करेंगे, जिसमें तमाम डिटेल्स आप अपनी डालकर साइन अप करेंगे, जिसमें आपका नाम है, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद कैप्चा डालकर आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आप जब डालेंगे तो उसके बाद आपके पास बाकायदा एक पेज निकलेगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिसके बाद आपके पास ये पेज यहाँ पर खुलेगा, जिसमें हालांकि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप सुबह 9 बजे ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आज का कोटा पूरा हो चुका है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज आएंगी, आप रिपब्लिक डे परेड के लिए जाना चाहते हैं, आप एफडीआर रिपब्लिक डे परेड देखना चाहते हैं, बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल देखना चाहते हैं या फिर बीटिंग रिट्रीट के लिए चाहते हैं, सेरेमनी के लिए टिकट चाहते हैं, जो भी टिकट आपको चाहिए। तीन कैटेगरीज यहां पर बनाई गई हैं, 20, 100 और 500, ये तीन कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं, जिसमें आपको जिस भी कैटेगरी का टिकट चाहिए आप वो टिकट अपना बुक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक का प्रोसेस आपने जान लिया। इसके बाद जब आपका ये पेज खुल जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी टिकट चाहिए, उस टिकट पर जाकर जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे वो फिर उसकी रेंज आएगी 20, 100 या फिर 500, और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका नाम, तारीख, जन्म की तारीख, फोन नंबर, अपना आईडी कार्ड या फिर उसकी जानकारी। और ये डिटेल्स भरने के बाद बाकायदा आपको अपनी एक फोटो भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद एक पेमेंट ऑप्शन आपके पास आएगा, पेमेंट करने के बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन लास्ट स्टेप जो याद रखिएगा वो ये है कि जब आपका कंफर्मेशन यहाँ हो जाता है तो उसके बाद आपको उस टिकट को डाउनलोड करना होगा और वो टिकट आपके फोन पर हमेशा रहनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है, अगर आप 26 जनवरी की परेड, रिपब्लिक डे परेड देखना चाहते हैं तो amantran.mod.gov.in पर लॉगिन करके आप भी जा सकते हैं।